Assalamu alaikum everyone, welcome to video series how to build business with daraz in Pakistan. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेलर रेटिंग कैसे डिटरमिन होती है और आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेलर रेटिंग एंड रिव्यूज क्या होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि सेलर रेटिंग कैसे डिटरमिन होती है. ये बेसिकली 1% से 100% के इन बिटवीन आपको शो हो रही होती है आपके सेलर सेंटर पे. आप अपने सेलर सेंटर पे जब लॉग इन होंगे तो फर्स्ट टैब आपको शो होगा परफॉर्मेंस का. परफॉर्मेंस में आपको ये सारी चीज़ वहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है और आपकी जो सेलर रेटिंग है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है. नंबर वन प्रोडक्ट क्वालिटी, सेकंड है फुलफिलमेंट और थर्ड है सर्विस लेवल. अब हम देखते हैं कि ये तीनों कैसे आपकी रेटिंग को डिटरमिन करते हैं. सबसे पहले प्रोडक्ट क्वालिटी, कि अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आपने जो चीज़ कस्टमर को शो की है वही चीज़ आपने सेंड की है, तो कस्टमर आपको अच्छा रिव्यू देगा. और अगर आपको अच्छा रिव्यू आएगा तो इसका मतलब आपकी सेलर रेटिंग बेहतर हो जाएगी. सेकेंड नंबर पे है फुलफिलमेंट. फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप FBD चूज़ करते हैं, फुलफिलमेंट बाय दराज के मॉडल पे काम करते हैं, तो ये तो आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा. इसलिए कि दराज सेम डे या नेक्स्ट डे आपका ऑर्डर डिलीवर कर देता है. अगर तो 4 बजे ऑर्डर आ जाता है 4 बजे से पहले, तो दराज सेम डे डिलीवर करता है, नहीं तो आपका नेक्स्ट डे ऑर्डर डिलीवर हो जाता है. उसके बाद सर्विस लेवल, कि आप कितना अच्छा कस्टमर को रिस्पॉन्स करते हैं, रिटर्न्स पे आप कैसे जो है वो शो करते हैं, चैट रिस्पॉन्स आपका क्या है, ये सब चीज़ें आपके सर्विस लेवल को डिटरमिन करती हैं और वही आपकी सेलर रेटिंग पर डिपेंडेंट होती हैं. उसके बाद हम देखते हैं सेलर रिव्यू के कितने लेवल हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव. ये तीन लेवल्स होते हैं. पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपका अच्छा लेवल है और आपको ऑर्डर्स भी ज़्यादा मिलेंगे. अगर आपका न्यूट्रल है तो आपको दराज ऑर्डर कैप लगा देता है. इसका मतलब क्या होता है कि आपको लिमिटेड ऑर्डर मिलते हैं. उसके बाद है नेगेटिव. अगर तो आप नेगेटिव में चले जाते हैं तो इसका मतलब आपको दराज ऑर्डर नहीं देगा और आपका स्टोर भी डीलिस्ट हो सकता है क्योंकि आपकी रेटिंग अच्छी नहीं है. इसके बाद दराज जो है वो कस्टमर्स को इनक्रेज करता है कि वो सेलर रेटिंग को देखें. ऑर्डर आपसे जब वो लेते हैं, कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, उसके बाद दराज उनको स्पेशली ईमेल सेंड करता है कि आप अपना रिव्यू जाके लाजमी लिखें, और वो फिर डिपेंड करता है आपकी सेलर रेटिंग को डिटरमिन करने में. इसके बाद हम देखते हैं ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होती है. परसेंटेज डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव रेटिंग डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स, कि आपको जितनी भी रेटिंग्स आई हैं उनमें से पॉजिटिव कितनी थी, नेगेटिव कितनी थी, न्यूट्रल कितनी थी, तो उन सब रेटिंग्स का एक काउंट और जो पॉजिटिव होती है इसको डिवाइड करके दराज आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करता है सेलर, जो कि आपको वेबसाइट के ऊपर भी शो हो रही होती है और आपके सेलर सेंटर पे भी शो हो रही होती है. अब हम देखते हैं कि हम अपनी रेटिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. उसमें पहली चीज़ है, आप अपनी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव करेंगे. आपने अपना पैकिंग मटेरियल यूज़ करना है. अगर आप फुलफिलमेंट बाय सेलर पे काम कर रहे हैं, पैकिंग मटेरियल आप अच्छे वाला यूज़ करें. कस्टमर को जो है बबल रैप्स में, कार्टन में, जिसमें FBD मॉडल में दराज आपकी पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करता है, आप भी उसी तरह का यूज़ करें और जो है वो कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करें. उसके बाद आप अपने कंटेंट क्वालिटी ऑफ योर SKU, इसको आप कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करें. हमेशा आप ये देखें, इसको चीज़ को कंसिडर करें कि जो आप पिक्चर शो कर रहे हैं कस्टमर को, जो डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा हुआ है, आपकी प्रोडक्ट भी वही उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट कुछ और है, उसका कलर कुछ और है और आपने कुछ और इमेज में शो किया सिर्फ ऑर्डर के लिए. ऐसा नहीं करना. आपने जो आपकी एक्चुअल कलर है, एक्चुअल प्रोडक्ट है, उसकी वही फोटोग्राफी के साथ आपने अपनी ग्राफ पे मेंशन करनी है ताकि आपको नेगेटिव रिव्यू ना आए. रिड्यूस योर लीड टाइम टू शिप योर ऑर्डर्स. अगर तो आप FBS पे काम कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय सेलर पे काम कर रहे हैं, तो आप जैसे ही आपको ऑर्डर आता है आप सेम डे उसको डिलीवर करें ताकि आपका जो शिप ऑन टाइम है वो अच्छा हो और आपकी रेटिंग जो है वो बेहतर होती जाए. रिजर्व स्टॉक फॉर सेल्स एंड प्रमोशंस, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि दराज कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है कि जब भी उसकी कंपेन्स आती हैं, प्रमोशन आती हैं, वो अपने कस्टमर्स को ईमेल वगैरह सेंड करता है, काफ़ी एडवर्टीजमेंट करता है. तो आप अपने स्टॉक को उसके लिए भी बचा के रखें ताकि आप जब कंपेन्स वगैरह दराज की लॉन्च होती हैं, 11-11 की कंपेन है, 12-12 की कंपेन है, तो आप उसमें भी कम पार्टिसिपेट करें, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको सेल्स मिलेंगी और आपको अल्टीमेटली आपकी रेटिंग भी बेटर हो जाएगी. वेरीफाई दैट आइटम्स आर प्राइस्ड करेक्टली. आप ये देखें कि आपकी जो आइटम्स हैं उनकी प्राइस करेक्ट होनी चाहिए. ये ना हो कि आपने प्राइस कुछ और मैंशन किया और उसके अगेंस्ट आप प्रोडक्ट कोई और भेज दें. उसके बाद है इंश्योर दैट करेक्ट प्रोडक्ट और वेरिएशन इज पिक्ड एंड पैक्ड बिफोर शिपिंग. ये बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, आपके क्लोथिंग आइटम सेल करते हैं, कस्टमर ने आपको स्मॉल साइज़ में ऑर्डर दिया और आप जब कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करते हैं और आपको गलती से मीडियम साइज़ का आपका कोई भी आर्टिकल चला जाता, तो ये आपकी रेटिंग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा. आप एक दफ़ा वेरीफाई करें ऑर्डर डिलीवर करने से पहले,
कि जो प्रोडक्ट कस्टमर ने ऑर्डर की थी, जिस साइज में ऑर्डर की थी या वेरिएशन में की थी, आप उसी वेरिएशन और उसी प्रोडक्ट को ही पिक करेंगे और उसी को ही पैक करके कस्टमर को डिलीवर करेंगे। ये आपकी रेटिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसके अलावा आखिरी पॉइंट है रिप्लाई टू कस्टमर क्वेश्चन स्विफ्टली, कि आप दराज सेलर सेंटर की ऐप को डाउनलोड करें, आप जहाँ पर भी हों आप फ़ौरन से रिप्लाई करें कस्टमर के किसी भी क्वेश्चन का। जब आप इसको करेंगे तो दराज आपको खुद बहुत अच्छा रैंक करेगा और आपको ऊपर लेके आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे सेलर क्लेम्स क्या होते हैं और आप अपने रिटर्न्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं और उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।